Okay, so actually let me introduce you about Dipanjan Chatterjee. आप कोलकाता से हो और and he attended my webinar in April 2019. So अभी approximately 6 month होने को है and he is doing very good in trading and especially in scalping. Scalping is an art जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे profits बनाते हैं और accurately उसमें accuracy बहुत ज़्यादा matter करता है. So that skill I have seen in Dipanjan Chatterjee. So I'm going to chat with him today about how is his experience and everything we talk. So actually, can you introduce me about yourself? About आप लोग आपका trading का journey कैसे शुरू हुआ first of all और पहले आप क्या करते थे? हाँ, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि ये एक long journey है और सबके साथ होता है. तो मैं जब 12 में पढ़ता था तो मैं जब 12 ख़त्म हुआ तो मेरे पापा का डीमैट अकाउंट था. तो उसमें मैं देखता था पापा खरीद रहा है बेच रहा है, लेकिन उनका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन ज़्यादातर उन इन्वेस्ट ही करते थे. तो मैं पापा को पूछता था कि आप ये क्या क्या कर रहे हैं, तो बोल रहा कि ये कुछ खास नहीं है, ये गैम्बलिंग होता है, तो लाख चल गया तो हो गया, पैसा मिल गया, नहीं तो 10 दिन का कमाई एक दिन में लेके चला जाता है, तो ऐसा कुछ बोल रहे थे. तो मैं फिर टीवी देखता था कि टीवी में रिपोर्टर लोग बोलते थे, तो वहाँ से ही जर्नी शुरू हुआ, इंटरेस्ट ग्रो करना शुरू हुआ. तो उसके बाद मैं खुद का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, लेकिन जैसे सबके साथ होता है कि मैं इंडिकेटर लगाता था लेकिन कुछ खास नहीं होता था. तो इंडिकेटर के साथ कैंडल के साथ एक टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं था, जस्ट बेसिक कुछ टेक्निकल मतलब कैंडल का नॉलेज था. तो इसके साथ शुरुआत हुआ होते होते तो मेरे मदर से तो पैसे लिया था कुछ ट्रेडिंग के लिए, तो वो सारा पैसा गया, तो ऑलमोस्ट 20,000 थे. तो उसके बाद मैं छोड़ दिया था. उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन जो ट्रेडिंग का भूत था वो तो था अंदर ही अंदर. उसके बाद मैं एमबीए एंट्रेंस के लिए गया, वहाँ पर कुछ फ्रॉड केस हुआ तो वहाँ पर नहीं हुआ. उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एंट्रेंस के लिए पढ़ाई भी कर रहा था. उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक रिलेटिव थे जो जिन्होंने आकर बोला कि तेरा तो शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरा एक क्लोज है जिसको जो जिसका कंपनी है वहाँ पर एक टर्मिनल ऑपरेटर की ज़रूरत है. तो मैं फिर वहाँ पे ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, हो गया वहाँ पर. तो वो एक मेरे लिए काम था जिसके लिए मैं पैसे नहीं भी मिलते थे तो भी चलता, क्योंकि मुझे शेयर में इतना इंटरेस्ट था. उसके बाद वहाँ पर मतलब मैं इतना एनर्जेटिक था कि क्लाइंट मुझे देख के शेयर खरीद रहे थे, जो भी बोलता था वो खरीद रहे थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि कंपनी देख रहा था कि मेरा मतलब मैं बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा था, तो वो जो एक कॉल प्रोवाइडर रखा था उसका रॉन्ग कॉल सब मुझे बोलता था कि क्लाइंट को बोलो ये खरीदे वो खरीदे. एक क्लाइंट का 3 लाख रुपए लॉस हो गया था इसके वजह से. तो मैं देखा कि इसके तो मिलता कुछ नहीं है, मुझे सैलरी मिलता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और मुझे कुछ ट्रेडिंग का नॉलेज भी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है. तो मैं वो एक दिन के अंदर वो जॉब छोड़ दिया. छोड़ के मेरे दुकान के मतलब मेरे फादर के बिजनेस है, एक दुकान है हार्डवेयर का, तो उसके पास एक ट्रेडर रहता है. तो उसके जाके बोला कि आप मुझे सिखाएंगे, तो बोला कि हाँ मैं सिखाऊंगा. वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ ले जाता. तो ये 6 महीना तो कंटिन्यू हुआ, मैं बेसिक सीखा, कैंडल सीखा, मीटर स्टॉक लिया हुआ था, तो उनके कुछ पुल बैक कॉम्प्लेक्स पुल बैक ये सब कुछ सीखा. लेकिन मैं उसके साथ बैठ के ट्रेडिंग करता था जो वो बैठते थे, लेकिन वहाँ पर होता क्या कि वो स्विंग ट्रेडिंग करते थे, बोलते कि इंटरडे ट्रेडिंग होगा लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करते थे, तो वो तो मतलब डेली वेली लेके चला जाता था, मैं फंस जाता था.
तब तब मैं ओबीसी कर सर का मतलब यूट्यूब चैनल फॉलो करना शुरू किया। वहां पर एक दिन उन्होंने आपका एक पोस्ट डाला था कि डार्क राइडर स्कैल्पिंग करता है। मैं स्कैल्पिंग टर्म तब जाके सीखा, जाना कि ये स्कैल्पिंग कुछ होता है। उसके पहले मैं एक मिनट चार्ट देखता था लेकिन समझ में नहीं आता था, लेकिन तब मैंने आपको फॉलो करना चालू किया, ट्विटर फॉलो किया आपका, थोड़ा सा वीडियो फॉलो किया, तब मतलब वो कमाल का लगा। इसके पहले मैं सोचता था कि जो लोग इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं तो वो भगवान से कम कुछ नहीं है क्योंकि डिलीवरी लेके तो कोई भी मतलब डिलीवरी लेके आसान होता है चीज, और आप इंट्राडे भी कर रहे हो उसके अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हो, मतलब आप कुछ अलग ही लेवल पे हो। तो मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, फॉलो भी करता था, तो तो एक दिन आपको ट्वीट ट्वीट भी किया, वो हाँ आपसे जानने शुरू हुआ। तो एक्चुअली उससे पहले आपने 1 मिनट चार्ट्स पे आपने ये सुना होगा कि नॉइस बहुत ज़्यादा होता है और इट्स हाँ वेरी हाँ हाँ हार्ड। एकदम तो जब मेरे से सीखा उसके बाद 1 मिनट में थोड़ा कुछ हेल्प मिला गया। हाँ हाँ एकदम एकदम सो आप ये वर्मी मतलब चार्ट ही एकदम मतलब वर्मी चार्ट आप देखना सीख जाओ तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां से ही तो ट्रेड एक आप ट्रेड लोगे तो वहां से ही तो आप शुरुआत करोगे। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो तो वर्मी में तो इफेक्ट ज्यादा होगा ना, बिल्कुल 5 मिनट 50 मिनट में तो इफेक्ट बाद में आएगा, पहले 1 मिनट में आता है। दैट्स राइट। सो एक्चुअली उससे पहले आपको क्या प्राइस एक्शन के बारे में कुछ पता था? नहीं, उसके पहले प्राइस एक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक स्कीनर यूज करता था जिसके 15 पर 15 मिनट्स में वो हाई लो दिखाता था, गूगल में है। तो मैं क्या करता था, 15 मिनट्स देखा वहां पे जो हाई या फिर उसके बाद इंडिकेटर यूज किया। आप अपने जो यूट्यूब में था जो उसके अंदर जो जो इंडिकेटर यूज किए थे मैं सब यूज कर चुका था, लेकिन इंडिकेटर पे ट्रेडिंग होता नहीं है क्योंकि ये 2 3 दिन चलता है फिर एक मतलब नहीं चलता हाँ बिल्कुल लैगिंग होता है। है, लैगिंग होता है। और मुझे ऐसा मतलब इंडिकेटर बेस आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इंडिकेटर को मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा ना कि इसके वजह से मेरा ट्रेड सक्सेस हुआ, मैं वो क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो, मुझे कैंडल देख के ऐसा कुछ पता चले कि हाँ मैं खुद ट्रेड ले सकूं। बिल्कुल। तो एक्चुअली लेट मी टेल मी अबाउट कि आपको मतलब जैसे आपने अप्रैल में वेबिनार लिया था, तो अभी मतलब कितना टाइम लगा आपको एकदम थोड़ा परफेक्शन लाने पे कि आपको कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि यस आई कैन डू इट? हाँ अभी आता है, लेकिन जब वेबिनार लिया तब चीज देखता था, लेकिन आस्ते आस्ते समझ में आना चालू हुआ। पहले पहले समझ में नहीं आता था क्योंकि 1 मिनट में तो नॉइज होता है, लेकिन नॉइज कैंसिलेशन आपको ही आना चाहिए क्योंकि आप 1 मिनट कैंडल देख रहे हैं, उसके कोई इंडिकेटर तो होता नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं ट्रेड लेता था लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं वो आता था कि ये ट्रेड हाँ सक्सेसफुल होगा। लेकिन आप एक चीज जब ज्यादा टाइम से प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है, ये बात मैंने नोटिस किया है। इसके बाद एक स्टेज आता है जब आप कॉन्फिडेंस भी हो, फिर आपको ट्रेड भी सही जा रहा है, फिर भी आपको लगता है कुछ चीज लैगिंग है, बिल्कुल उस चीज को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद वो भी आस्ते आस्ते हट जाता है, मतलब बहुत स्टेजिंग होता है ट्रेडिंग में। मतलब वो जो बोलता है ना कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि लेकिन ये चीज होता है कि हम ठीक ठीक जो चीज है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिल्कुल पहले से ही बहुत अलग अलग चीज में भटक जाते हैं। जो प्राइस एक्शन मेन तो है प्राइस एक्शन, लेकिन उसमें ही हम बहुत बाद में आता है। तो एक्चुअली जैसे प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है। लेट्स से कि अभी वो प्रशांत है, वो आपको पता है ट्रेंड नाइन में बहुत अच्छा काम कर रहा हाँ है। हाँ हाँ बट आपका जो कंसेप्ट मैंने पूछा था आपसे, आपने बोला कि आई सी वॉल्यूम्स एंड सपोर्ट यस एंड रेसिस्टेंस। तो उसमें मतलब कितना
कितना टाइम लगा मतलब आपको पकड़ बनाने में मेनली, बिकॉज जो कुछ समझने के बाद भी 100% भी डू रिपीटेटिव मिस्टेक समथिंग लाइक रिस्क मैनेजमेंट में हो गया, तो वो सारी चीजें अभी जो आपने ग्रुप में डाला था कि 3 रुपए का एक्सेलरेटर हो रहा है, तो वो सारी चीजें अनकॉमन है क्योंकि कोई भी एसएल वगैरह मिनिमम 5 से 10 रुपए रखता है, आपका 3 रुपए का एसएल। क्रूड में तो ज्यादा होता है, 10 से 15 रुपए होता ही है। हाँ वो एक चीज है जो मुझे क्रूड से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि क्रूड में एक बात है कि आप हर एक कैंडल का स्टडी करो तो हर एक दूसरा कैंडल 6 से 7 रुपए का मूव दे ही देता है। अगर अच्छा मूव दिया तो 10 से 12 रुपए तो मूव दे ही देता है। और वॉल्यूम मुझे लगता है एक ही इंडिकेटर होता है जिसको जिससे आपको पता चलता है कि बड़े लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम से ही आपको पता चल जाएगा ना। वो लोग हर चीज छुपा सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं छुपा सकते, इसीलिए मैं वॉल्यूम देखता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता देखते थे, अभी ऐसा प्रैक्टिस हो गया कि मैं एक कैंडल देख के दूसरे का वॉल्यूम बता सकता हूँ, मतलब अगला मूव क्या होगा। अब क्रूड ऑयल में इसीलिए अच्छा है कि वो 6 से 7 रुपये मूव दे जाता है, लेकिन इक्विटी में ये नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी में आपको टाइम लगता है। मैं इक्विटी में एक्सिस और एसीसी में ट्रेड करता हूँ, तो उससे होता क्या है कि एसीसी में तो आपको 6 रुपये भी चाहिए तो वो 15 से 20 मिनट ले ही लेगा, एक्सिस में भी वही। तो लेकिन क्रूड में होता है कि आसानी होता है, और मेरे पेशेंस लेवल थोड़ा कम है, इसकी हिसाब से मेरे स्कैल्पिंग मेरे लिए अच्छा है। आपको स्कैल्पिंग समझ में बहुत चाहिए। ज्यादा बेटर है आपका, हाँ तो मेरे वो लिए अच्छा है, एक्चुअली क्योंकि ट्रेड लेने के बाद मैं बैठ नहीं सकता कि प्रॉफिट कब आएगा प्रॉफिट कब आएगा, तो बिल्कुल मैं वो देख के ट्रेड देता हूँ कि वॉल्यूम देख के कैंडल स्टिक देख के, ये मेन है वॉल्यूम कैंडल स्टिक। बहुत रेयरली मैं देखता हूँ कि 50 EMA के ऊपर है कि नीचे है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन वो बहुत देर देखता हूँ। पहले देखता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेकिन उस मेन होता है वॉल्यूम, कि वहां से वॉल्यूम क्या बोल सकता है, क्या बोलना चाहता है, कि हर एक कैंडल के मतलब जो वीक है, इसीलिए जीरोधा का थोड़ा नाराज रहता हूँ जीरोधा से, क्योंकि वो बहुत रिप्लेस करना पड़ता है। ओके सो योर स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम राइट। यस यस ओके तो लेट मी टेल यू दैट कि जो हमारा M6 का चार्ट होता है उसमें सिर्फ इंडियन वॉल्यूम्स होते हैं, जो हमारे MCX एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते हैं, बट जो रियल वॉल्यूम्स होता है US ऑयल वो आप देख सकते हो, तो ट्रेडिंग उसमें व्यू में क्योंकि वो उसमें कुछ कभी कभी कुछ ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं जो हम वहाँ पे मतलब उसके या तो वो हाफ होते हैं या फिर उसके अपेक्षा बहुत कम होते हैं, हाँ तो ये एक एड मैं ऑन। ट्रेडिंग भी देखता हूँ। सो अभी रेफ्रिजरेटर जो लिया वो उसका क्या हिसाब है वो? ये वाला है हाँ, वही कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बट ये मतलब कितना टाइम लगा, क्रूड ऑयल से लिया है या फिर इक्विटी से लिया है नहीं, ये इक्विटी क्रूड ऑयल दोनों मिला के है, मिला के है? और ये मतलब 1 महीने का 2 महीने का नहीं है, ओके पूरा जो मेरा 6 महीने का जर्नी है वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब मेरे स्टॉप लॉस से आप देख सकते हो कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत मान के चलता हूँ, मतलब मेरे लिए 10 रुपये भी इम्पोर्टेंट है तो 100 रुपीज भी इम्पोर्टेंट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये आना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि ये नहीं आता तो मतलब यही लास्ट स्टेज है, यहाँ पे भी आपको आना है। मैं ट्रेडिंग में आप कोई भी चीज लैक नहीं कर सकते कि ये मुझे नहीं आता फिर भी मैं ट्रेडिंग कर जाऊंगा, आपको स्ट्रेटेजी भी आना चाहिए, मतलब नॉलेज भी आना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मेन है। मतलब सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर इन क्रूड ऑयल ट्रेडिंग, मतलब आगे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा तो इन दिस कंडीशन उसमें आपका व्यू क्या हाँ है? क्रूड ऑयल में तो अभी मैं मिनी में ही ट्रेड करता हूँ, तो 5-10 लॉट से ट्रेड करता हूँ, 10 नहीं जाता क्योंकि 10 से तो मैं मेनली ही ट्रेड कर लूंगा, 5-7 मतलब वो मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से होता है कि जो सी ओ शर होता है तो मैं लॉट बढ़ा लेता हूँ, लेकिन फ्यूचर में तो मतलब अभी मैं फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल जा रहा है,
लेकिन वो कैपिटल का थोड़ा इशू है, वो अभी सॉल्व हो जाएगा शायद। ठीक है यार, क्रूड में तो मैं मेन में ट्रेड करने वाला हूँ। तो अभी एक्चुअली हाउ डू यू कंट्रोल द फियर एंड ग्रीड, इस टाइप का इमोशन? जैसे कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल में समटाइम्स लॉट ऑफ बिग कैंडल्स ऑफ कोर्स, एंड उस टाइम एक्चुअली हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है, बट एज यू नो द प्राइस एक्शन, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली जो वो कैंडल्स आती हैं बड़ी वाली, वो हमारे फेवर में आती हैं, बट इन हाँ इन सम कंडीशन, ठीक है, जब आपको पता है कि जैसे ईएमए के ऊपर है प्राइस, ठीक है, और उसके बाद वो जो नीचे ब्रेक होता है, ट्रेंड चेंज होता है, उस टाइम हम लोग भी नहीं बच सकते, आपको पता है। तो उस कंडीशन में हाँ हाउ डू यू कंट्रोल, मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट से कंट्रोल होता है या फिर आप कुछ टेक्निकल एनालिसिस में भी उसका यूज करते हैं? हाँ वो दोनों ही है। टेक्निकल एनालिसिस फास्ट रन है, लेकिन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आता है। वो आपको मतलब कैंडल देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अभी अभी जो एक्सपीरियंस हो गया कि जो छोटा छोटा डोजी कर रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसके उससे पता चलता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ उसके, मुझे लगता है उसके बाद गया तो मार्केट रिवर्स होगा, वो 80% टाइम में होता है। और फियर फियर और ग्रीड जो है, तो वो तो मतलब क्या बताऊं, क्योंकि मार्केट में फियर भी है कि आप स्टॉप लॉस ही जाने का फियर तो रहता ही है, और भीड़ रहता है कि मैं 6 रुपए लेता हूं। मैं क्रूड ऑयल में मिनी में हमेशा 6 रुपए लेता था, अभी थोड़ा बड़ा है कि अच्छा 9 रुपए 10 रुपए 12 रुपए ले रहा हूं। ये 6 रुपए लेता हूं तो मुझे भीड़ रहता था कि शायद थोड़ा देर वेट कर जाऊं तो 9 10 रुपए मिल सकता है। लेकिन वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार फंसा हूँ, उसके बाद जाके मैं 6 रुपए ही फिक्स कर लेता था कि 6 रुपए, और मैं जहां पर लूंगा तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है वहां पर वहां से 3 रुपए भी रिवर्स करेगा तो मेरा ओके स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन मार्केट भी वहां से रिवर्स समझ करेगा। और इक्विटी में जो टाइम लगता है, मतलब 15 से 20 मिनट टाइम लगता है वो आपको तो टारगेट लगता मिलने में। है, हाँ, स्पाइन वो ऑफ उस स्किल। समय समय मैं करता हूँ कि कोई वीडियो चला देता हूँ, क्योंकि मैं मतलब वो कैंडल सिर्फ नहीं देखता हूँ। उसके ट्रेड लेने के बाद मैं स्टॉप लॉस हाँ लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, टारगेट लगा दिया, उसके बाद मैं वीडियो देखता हूँ। ओके। सो अभी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या आई क्रूड ऑयल में, स्कॉल्पिंग में, व्हेन यू वर लर्निंग? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आप, जिसने आपका मतलब लॉस कराया हो या फिर जिससे आपको थोड़ा लगा हो कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, क्रूडर में जो होता है कि आप एक सपोर्ट से लिए, आप क्रूडर को सपोर्ट तो हर दूसरे जगह में नहीं मिलेगा ना। मेजर एक सपोर्ट होता है, माइनर सपोर्ट होता है। तो मेजर सपोर्ट में लिए तो दूसरा सपोर्ट तक मैं वेट नहीं कर सकता, दूसरा रेजिस्टेंस तक, कि वहां पर जाए फिर मैं अपना पोजिशन काट लूँ। तो मैं तो 6 से 8 रुपये 10 रुपये लेके निकल जाता हूँ। उसके बाद आता है कि मैं दूसरा ट्रेड कब लूँ। और एक कूलर में बहुत होता है कि जो बड़ा बड़ा डोजी करता है। आप फ्राइडे का चार्ट देखोगे तो आपको देखेंगे कि डोजी कर ही जा रहा है, मतलब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन ऊपर जा रहा है। तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत है तो कि वो उस पे उससे तो आप कैसे एक्चुअली बचूं। पता कर सकते हो ना कि डोजी बन रहा है और ईएमए के आजू बाजू प्राइस फड़क रहा है, तो इसका ये हाँ हाँ एक हाँ साइन है कि साइडवेज होने वाला है, सेल हंटिंग होगा। हाँ 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 वो मुझे साइडवेज मार्केट पता करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये साइडवेज जा रहा है कि ट्रेडिंग जा रहा है। डोजी से पता कर सकता हूँ, लेकिन वो समझ में थोड़ा टाइम जाएगा ना। मुझे फ्राइडे का चार्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत चैलेंजिंग लगा था कि ऊपर जाने, वो जो ट्राइंगल पैटर्न बना बना हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन हर दूसरा कैंडल डोजी बना रहा है कि लॉन्ग वीक बना रहा है। वो बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे। ओके, सो मैं ये सिनेरियो ले लेता हूँ, ये वाला पे। तो इसपे सबसे पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ कि एज यू कैन सी प्राइस ट्राई टू गो अप बाय ब्रेकिंग दिस ईएमए, ठीक है, उसके बाद आप एग्जैक्टली जो बोल रहे हो डोजी बना रही है, एक्चुअली बना रहा है, ठीक है, बट व्हेन दिस
ब्रोकन द ईएमए अगेन और ये जो कैंडल वापस से आई, तो आपको मतलब ये वाली जो कैंडल ब्रेक कर रही है तो यही अलर्ट कर दे रही है कि इट्स गोइंग टू बी मतलब साइडवेज होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ दोबारा से, फिर ऊपर नीचे कई बार परेशान किया. दैट्स व्हाट आई सी फॉर साइडवेज मार्केट. और ये वाला जो टाइम जोन है जैसे ये आप देख रहे हो, इस पे तो ट्रेड करता ही नहीं हुआ बिकॉज इनसफिशियंट डेटा एंड वॉल्यूम. वन मोर एग्जांपल आई वांट टू ट्राई, ये बोल सकते हैं हम एसएल हंटिंग का सिनेरियो. एज यू कैन सी प्राइस ट्राइंग टू गो डाउन, बट यहाँ पे एक हैमर बना रहा है जो अगेन ट्रैप करेगा लोगों को, फिर यहाँ से प्राइस एसएल कट कर रहा है दोनों का, मतलब कि कोई अगर हैमर को भी ट्रेड करता है तो ये आप देख रहे हो ये कैंडल एसएल हंट कर रहा है, तो ये एक सिनेरियो होता है. अब जो सिनेरियो दिखा है मुझे, दो तीन जो सिनेरियो दिखा है जो स्टॉक हंटिंग का, तो वो कुछ सिनेरियो में मैं भी ट्रेड कर चुका हूँ. मतलब वो सिनेरियो देख के मैं कुछ चीजें समझ जाता हूँ कि यहाँ से मैं मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो मुझे वॉल्यूम से ही पता चल जाता है. अच्छा. और फ्राइडे के जो मार्केट था, जब पहले का जो सिनेरियो था जब ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, उस समय थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन वो वॉल्यूम देख के वो मुझे पता चल चुका था कि ऊपर जाएगा मार्केट. तो कहाँ से रिवर्स कर, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मुझे तो मतलब ऐसे जगह लेना है कि वहां से रिवर्स करेगा मार्केट, तो वो मुझे मतलब उस समय मैं नहीं पकड़ सका. लेकिन फिर उसके बाद जो 50 के 50 एक बार क्रॉस किया था, उसके बाद 90 गया था, तो उस समय मेरा ऑर्डर नहीं रुका, मतलब लगाया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मैं आपको भेजा भी था. हाँ हाँ मेरे को मिला था. और एक्चुअली जो अभी मैंने आपको एसएल हंटिंग सिनेरियो दिखाया था, उसमें आपने देखा कि एक हैमर बना, फिर प्राइस उस हैमर का लो एसएल काटने गया था, तो उस कंडीशन में उस दिन भी मैंने आपको देखा था, उसमें प्रॉफिट बनाया था, तो वो क्या सेटअप था वो? हाँ, वो जो मेरा हैमर का जो सेटअप रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है. मतलब मैं क्या कैसे बताऊं कि एक अच्छा वॉल्यूम के बाद, मतलब मार्केट उड़ रहा है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल दिया वॉल्यूम के साथ, उसके बाद थोड़ा सा जो रिट्रेस करेगा, उसके बाद जो दो तीन डोजी बनाएगा, उसके वॉल्यूम अगर बहुत कम रहता है तो वहां से मार्केट सीओशर ऊपर जाएगा, मैं वहां पर ही ट्रेड रहता हूँ, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है. और आप एक बहुत अच्छी चीज बोला था कि अगर आपका प्राइस सही हो, एंट्री सही हो, तो वहां पे प्राइस रुकेगा नहीं ज्यादा, बिल्कुल वहां से आके ही चला जाता है. तो फ्राइडे को मैं वही दो तीन बार मुझे वही हुआ कि वहां पर प्राइस आया कि चला गया, मुझे नहीं मिला था. सो लेट्स कंसीडर वन सिनेरियो कि ऐसा ही मतलब आपका प्राइस आया और चला गया, बट यू हैव डिसाइडेड टू बाय एट दैट लेवल, बट वहां पे आप मिस हो गए, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, छोड़ दोगे ट्रेड? मैं अभी हाँ हाँ अभी अभी तो ट्रेड छोड़ देता हूँ, पहले नहीं करता था, पहले मैं ऊपर लेता था, कहीं पर अलग जगह ले लेता था, लॉस हो जाता कि लेकिन अभी नहीं लेता, अभी वेट करता हूँ. दैट्स अ राइट सॉल्यूशन. मुझे ट्रेड लेने के बाद वेट नहीं होता है, लेकिन ट्रेड लेने मतलब ट्रेड लूंगा इसके लिए मैं पूरा दिन बैठ सकता हूँ. एक्चुअली यही राइट सॉल्यूशन है कि जो परफेक्ट टाइम पे चीज आई उसको अगर हाथ से निकल गई तो छोड़ जाओ उसे. हाँ हाँ छोड़ जाओ, अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत मिलता है. एक्चुअली क्या होता है कि वो प्राइस छू के जो प्राइस वहां पे सस्टेन करता है, तो अगर वहां जो घुसता है उसका एसएल कटता है. हाँ एकदम. सो मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीजें ग्रैस्प करी और यू आर डूइंग गुड, परफॉर्मिंग गुड, और स्कॉल्पिंग में भी आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है. तो अभी एक्चुअली फ्यूचर में क्या है प्लान फुल टाइम? मतलब आपको तो पता है इससे हम आराम से लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं सिंपली. एकदम एकदम एकदम. बस वही है कि जब कैपिटल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो उस टाइम हमें मतलब ग्रीड नहीं करना है और रूल्स ब्रेक नहीं करना. जैसे अभी हम अगर 1,000 का लॉस ले रहे हैं तो उस टाइम 10,000 का होगा या 1,00,000 का लॉस होगा, पर उसी एक रेशियो में रहेगा. सो आर यू रेडी फॉर दैट? एकदम. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फुल टाइम मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन घर में रह के ट्रेड करने के एक दिक्कत आता है कि ये बोला
ये ला दो वो ला दो, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। और एक बात है कि आप जब एक एज के हो जाते हो ना, कि आप 26-27 साल के हो गए हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है कि घर आप मतलब सब देख रहे हैं कि आप घर में बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, तो कुछ किसी को समझ में ही आता है कि आप क्या कर रहे हो, कि बिल्कुल आप प्रॉफिट कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो, वो उससे उनको क्या कुछ मतलब नहीं। वो देखते आप बैठे हैं, वो सोचते हैं आप गेम खेलते रहते हो। तो बोलता है, मुझे तो मैं तो हर दिन बोलता है कि तू क्या करता था लैपटॉप में, तो दुकान में चला जा, अपने बाबा बाबा का बिजनेस थोड़ा सा देख ले। तो हाँ वो ये तो है। बहुत दिक्कत आता है, लेकिन वो आप चुप नहीं कर सकते जब तक मैं आप कुछ नहीं कुछ बन नहीं जाते, तो चुप नहीं कर सकता उन लोग। बिल्कुल वो तो मेरा फ्यूचर बताना। में यही प्लान है कि थोड़ा सा ऐसे से मेरा कैपिटल जो बढ़ रहा है तो उसको और थोड़ा सा बढ़ाऊं। मतलब क्रूड में तो मेन में ट्रेड करना ही पड़ेगा दिसंबर से, इसीलिए मैं मेन में जब तक हो सके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। मेन में तो करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ मेन में, मैं क्रूड में कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे है। और निफ्टी के लिए भी मैं कैपिटल मतलब जुगाड़ कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ट्रेड कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा ये सब बातें सुन के आपसे। सो सिंपली एक्चुअली क्या है, बस जो आप कर रहे हो एकदम परफेक्ट कर रहे हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपका कैपिटल डबल होगा ना, तो उस टाइम वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, वो भी डबल होगा। तो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा, अभी तो आप स्ट्रेस फ्री उस पर रहते हो, छोटा मोटा लॉस जो होता है। बट इन दिस केस उस पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 500 का लॉस अभी 5,000 का हो रहा है ना, तो उस टाइम इमोशन नहीं आना चाहिए। उस टाइम उसको 500 ही समझो। ये वाला अगर रूल मतलब इसको इसमें अगर इमोशन नहीं आया ना, तो फिर कितना भी कैपिटल कर लो, रिस्क मैनेजमेंट का ही गेम है। और आपको पता है 1:2 में अगर चाहे 1 रुपये का रिस्क लो, चाहे 1 लाख का लो, हाँ, वो काम 1:2 ही होगा, है ना। तो यही तो वही टारगेट होना चाहिए कि वीक के एंड में कि मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में रहे, तो एक दो दिन लॉसेस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जो मतलब उसे फील्ड में है, वो टीम लाइन की एडिटिंग कर रहे हैं, कि वो मुझे मेरे पास आता है कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, तो मुझे दिखा दे मुझे दिखा दे। लेकिन ऐसे होता नहीं है, आप तो मतलब ये कुछ मतलब देख के नहीं कुछ पता चल सकता, आपको वो प्रैक्टिस करना बिल्कुल पड़ता है। कि बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। क्योंकि कितना बार हुआ है कि हाँ वी बोलिए कैन नॉट हेल्प एनीवन, जस्ट लाइक कि हम नहीं बोल दें कि ये बाई कर लो या ऐसा कर लो, वो पोजिशनल में चलता है। बट इंट्राडे में आपको खुद ही पता होगा कितना फास्ट मूव आता है, माइक्रो सेकेंड्स में। सेल्फ डिपेंडेंट ही हो के मतलब हम इस पे आगे बढ़ सकते। हाँ। और वो बात है कि कितना दिन जाता है कि मतलब आप सोचते हो कि आज प्रॉफिट करूंगा, आज नहीं हुआ लॉस हुआ, दूसरे दिन सोचा कि प्रॉफिट करूंगा लॉस हुआ, पूरा वीक लॉस में गया, उसके बाद वो वीक लॉस में गया, अब हर रात सो रहे हो लॉस के साथ। मतलब ये कितना पेनफुल होता है जो एक मतलब ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बनता है, वो मतलब बोल सकते हैं कि कितना जर्नी कितना पेनफुल होता है। कॉलेज में आपको पता चलता है कि 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ये थियोरिटिकल नॉलेज के साथ आपको जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होता है। सबको लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तब तक जर्नी बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद दैट। सो अभी एक्चुअली होल्डिंग वगैरह में क्या विचार है, पोजिशनल वगैरह आप करते हो? नहीं मैं मुड़े मेरा कोई पोजीशन नहीं, कोई ठीक पोजीशन सही रहता है। ही नहीं है। मेरा जीरोधा में आस्टॉक में मेरा 5 जगह में डीमैट अकाउंट है, लेकिन एक ही जगह में शायद डीमैट मतलब डीमैट अकाउंट हो जाए होगा, सब में ट्रेडिंग अकाउंट ही है। सो एक्चुअली फाइनली आपको मतलब प्राइस एक्शन सीख के आप सेटिस्फाइड हो, अच्छा लगा। एकदम बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी कहीं दूसरी जगह कुछ सीखने का मन तो नहीं है ना, सेटिस्फाइड हो? नहीं नहीं एकदम एकदम नहीं है, मतलब क्या सीखना है, मतलब मतलब ऐसे बहुत चार्ट सारी देख चीजें के। हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है, जस्ट लाइक मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, इफ यू हैव डिसिप्लिन। नहीं 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 वो मैं नहीं देखता हूँ वो, मतलब मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, तो मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं था कि, लेकिन नॉलेज तो था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये ट्राई किया वो ट्राई किया, मतलब अल्टीमेट यही है कि आपको चार्ट देख के पता चल रहा है इसके ऊपर आपको क्या चाहिए।
मतलब वो भागना नहीं चाहिए, यही यही मतलब बिगिनर जो होता है यही गलती करता है कि हर जगह भागता है कि ये कुछ यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा, इंडिकेटर से कुछ मिलेगा, कुछ मिलता नहीं है। वो एक टाइम के बाद प्राइस एक्शन में ही वापस आना पड़ता है। और जो प्राइस आप उससे सीखना चाहिए जो आपको मतलब दिख रहा है कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, जो आप है मतलब आपको ट्विटर अकाउंट जब मैं फॉलो करने चालू किया वहां से मुझे पता लगा कि हाँ एक जेन्युइन बंदा है और ट्रेडिंग भी होता है। लेकिन उसके पहले तो सब बोलता है कि ये गैमलिंग है, मेरे पापा ही बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि क्या करता रहता है, ये तो गैमलिंग है, जुआ है। एक्चुअली इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, ये इसने आपका एक्चुअली फ्यूचर बना दिया, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, ये दो चीज़ जरूर होनी चाहिए। आपको कभी भी कोई जॉब नहीं करने की जरूरत होगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, यू आर टोटली सेल्फ इंडिपेंडेंट। और आपका जो स्किल्स है, आपका आपसे बात करने का मकसद यही है कि यू नो आई हैव ट्रेंड अ लॉट ऑफ पीपल, बट जिनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है उन्हीं से मैं बात करता हूँ, एंड यू हैव प्रूव्ड इट। That's why I hardly congratulate you about what you have थैंक done. यू, थैंक यू सर। और सिंपली आपको क्या करना है मतलब कि स्टे मोटिवेटेड अबाउट दिस, यस एकदम मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज ये अभी आने वाले टाइम में यू मस्ट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन समवन लाइक मी एंड अदर पीपल कीप हेल्पिंग यू और सपोर्ट पूरा है। कुछ ऐसा नहीं होना मतलब चाहिए डाउट है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी डाउट है अगर किसी चीज में, तो हम उसको फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बना सकते। दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब आपका आप तो जो हेल्प करता है तो वो तो मतलब कोई हिसाब में नहीं आता है। आप जो हेल्प करते हो कि जब टेक्स्ट करो तो उसका रिप्लाई, कि जब जो डाउट हो उसका रिप्लाई, मतलब मुझे मतलब मैं घर वालों से भी बात करता हूँ कि आप करते कहाँ से करते हो ये सब। वही है। सो स्लोली स्लोली भी आगे बढ़ना है, एकदम से भी कैपिटल को नहीं बढ़ाना है। यू नो 20% डाला, फिर अगले भी 20% डाल दिया, और एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। तो उस हिसाब से आप प्रोग्रेस करो। सो दैट्स ऑल। एंड लास्टली इफ यू हैव एनी मैसेज फ्रॉम योर जेन्युइन एक्सपीरियंस जो आपने अप्रैल के बाद से इन 6 महीने में गेन किया और जो आप सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हो, सो यू कैन। हाँ, जो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि स्ट्रगल सबको करना है। आप ये स्किप नहीं, एक स्ट्रगल पीरियड आप स्किप नहीं कर सकते कि मैं ये स्किप करके एकदम से ट्रेडर बन जाऊंगा, ये नहीं हो सकता है। कुछ कोई भी लाइन में नहीं हो सकता है। तो ट्रेडिंग कौन सी चीज है, तो ये तो थोड़ा सा हार्ड तो है ही। आपको जो आपको मिल रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते एक मतलब बहुत स्टेज आता है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर मैं हो सकता हूँ तो आप तो हो ही सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है कि आज लॉस हो गया तो क्या आप क्वांटिटी कम कर दिए, स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, ये नहीं करना है। एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना है कि आज ये क्वांटिटी कल भी वही क्वांटिटी लेना है, रिकॉर्ड करना है सब कि आज ये लॉस हुआ ये प्रॉफिट हुआ, तो आप मतलब जो कंपेयर कर सकते हो महीने के एंड में कि हाँ मैं ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही बात है कि प्रैक्टिस करना है और छोड़ना नहीं है, बीच में कोई छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो मोटिवेशन पूरा चला जाता है। और एक बात कि मतलब मैं बहुत ये मेरे साथ हुआ है कि एक पूरा महीना गया और लॉस भी गया, मतलब हर दूसरे दिन मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसके साथ मैं सो रहा हूँ, सुबह सुबह मेडिटेशन किया कि उसे मन में बोला कि हाँ मैं मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं हुआ। आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये नहीं कि मार्केट मार्केट गलत है। मार्केट कभी गलत नहीं होता है, आप वो पकड़ नहीं पा रहे हो कि मार्केट जो बोलना चाहता है। मैं हमेशा मेरी मेरी कोई ट्रेड गलत गया तो उसमें मुझे मेरा गलती समझ में नहीं आता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मार्केट गलत नहीं हो सकता। मुझे अपना गलती पता चल गया तो मैं सेटिस्फाई हूँ लॉस के बाद भी कि हाँ मेरा ही गलती है, ये मैं सुधर लूंगा, तो ये वाला लॉस मुझे नहीं हो।
यू मीन द दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस स्टडी? एकदम एकदम बिल्कुल, वो मैं भी करता हूँ और आज भी करता हूँ। मुझे मैं कभी भी मार्केट को दोष नहीं देता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ कि मुझे कहाँ गलती हुआ, मैं मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। मुझे ये पसंद नहीं कि एक भी मेरा ट्रेड गलत जाए, लेकिन वो तो जाएगा ही, लेकिन उससे आप क्या सीखना मिलता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। वेरी वेरी ग्रेट, सो दैट्स ऑल ऑन आवर चैट। ओके, थैंक यू सर, वेरी वेरी गुड ट्रेडिंग करियर अहेड। थैंक यू, ऐसे ही आप हमारे साथ में रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल इफ यू नीड एनी हेल्प, सो दैट्स ऑल एंड सी यू लेटर। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।